वेलकम बैक टू वाईएस एकेडमी दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूँ ओपन बुक एग्जामिनेशन के बारे में। डीयू की यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिस आया है कि आपको अपना एग्जाम देना कैसे है, यानी कि आपको अपना पेपर कैसे मिलेगा, क्वेश्चन पेपर कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और कैसे आपको अपलोड करना है, चीजें डाउनलोड करनी है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हुआ तो क्या करना है, अगर आप अपना जो आंसर शीट है उसको अपलोड नहीं कर पाए तो क्या करना है, सारा का सारा प्रोसीजर आज ड्यू की वेबसाइट पे पता चल गया है कि किस तरीके से आपको करना है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। मेरे पास नोटिस है, तो नोटिस में अभी आपको ये शो कर दूंगा, अभी ऐसे दिखेगा नहीं तो मैं आपको नोटिस शो कर दूंगा। तो सबसे पहले इस नोटिस में क्या बताया गया कि प्रोसीजर फॉर डाउनलोडिंग क्वेश्चन पेपर अपलोडिंग द स्कैन्ड आंसर शीट्स फॉर द ओपन बुक एग्जामिनेशंस, यानी कि यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो इस बारे में कि ओपन बुक एग्जामिनेशन का क्या प्रोसीजर रहेगा क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का और आपकी आंसर शीट को अपलोड करने का। तो उसके बारे में यहाँ पे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 5 पॉइंट्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं और इन्हीं 5 पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो पहले पॉइंट में क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि द कैंडिडेट ऑफ SOL एंड NCW shall download the question paper from the design portal at the official website of Delhi University www.du.ac.in। तो दोस्तों जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जो ओपन बुक एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पे बताया गया, जो भी SOL NCW के स्टूडेंट हैं, रेगुलर वाले भी हैं, तो www.du.ac.in ये जो DU की ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर से आपको आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपको जाना है, वो इसी तरीके से अपना पोर्टल ओपन करना है और आपको एक पोर्टल कैसे ओपन करना है इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो लास्ट दिया था, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा तो वहां पे आप देख सकते हैं। सिंपल सा समझ लीजिए कि www.du.ac.in ये वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो आपका स्टूडेंट पोर्टल आएगा, उसमें अपना आप रोल नंबर और सब चीज डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसके बाद आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा और वहां पे आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट में क्या बात की गई है, इसमें बात की गई है कि इफ A candidate is unable to download the question paper, मतलब किसी तरीके से अगर आप question paper download नहीं कर पाते हो तो क्या करना है। तो सबसे पहले तो उसमें एक चीज ये बताइए आपको कि in case of candidate of SOL the question paper shall be made available at the respective dashboard by the SOL। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि 5 मिनट पहले आपको जो आपका डैशबोर्ड है, स्टूडेंट का जो डैशबोर्ड होगा उस पर आपको 5 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका एग्जाम मान लेते हैं कि 7:30 बजे स्टार्ट है तो आपको 7:30 बजे से 5 मिनट पहले आपको ये दे दिया जाएगा। तो 5 मिनट पहले मिलेगा आपको, याद रखें, उसके बाद आपको आधा घंटा मिलेगा पूरा डाउनलोड करने के लिए। इन केस अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते तो उसके बारे में क्या बताया है, तो देखो नीचे आपको सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया कि अगर आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो जैसे स्पेशली NCWEB के लिए भी यहाँ पे बताया गया है कि उन बच्चों के पास जो NCWEB के स्टूडेंट है उनके पास उनके कॉलेज की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है या फिर उनके पास एक ईमेल आईडी होती है जो उनको प्रोवाइड कर रखी होती है। तो ड्यू की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर भी आप जाके उनको मेल कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो ये चीज़ आप बता सकते हैं। फिर बात करते हैं थर्ड पॉइंट में, और एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, एक और चीज़ आपको बताई गई है कि ऑनली इन केस ऑफ इमरजेंसी व्हेन क्वेश्चन पेपर हैव नॉट बीन डाउनलोडेड, अगर आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं होता है तभी आपको जो एक्स्ट्रा लिंक और ये व्हाट्सएप ग्रुप की बात कही गई है तभी आपको फॉलो करनी है। अगर आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं होता, वैसे तो हो जाएगा बट इन केस यहाँ पे ड्यू ने ऑप्शन दिया है, आपको ये फैसिलिटी दी है कि इन केस अगर आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हुआ तो क्या करोगे, तो क्या आप एग्जाम नहीं दोगे, तो वहां पे आप ईमेल करिए उनको, ईमेल करिए या फिर आप व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप का ग्रुप NCWEB की तरफ से बच्चों को दिया हुआ है और जो SOL और रेगुलर के बच्चे हैं वो ईमेल करेंगे। चलो जी यहां तक बात हो गई, फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नीचे भी यहाँ पे क्या बात कही गई है कि सिमिलरली इफ फॉर एनी रीजन द कैंडिडेट आर नॉट एबल टू अपलोड द स्कैन इमेजेस PDF format of their answer sheet on the portal after the completion of the examination, the same can be sent PDF format at the desired email address of SOL। देखो यहाँ पे क्या बात बताई गई है, सेम वही बात बताई गई है कि अगर आप जैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आपको ईमेल का सहारा लेना पड़ा था, ऐसी अगर बाई चांस आपने अपना पूरा, पहले तो आपने अपना पूरा आंसर शीट तैयार कर दिया लिखकर, उसके बाद आप अपलोड करोगे PDF। अगर PDF कैसे अपलोड करते हैं इसका लिए भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा।
तो पीडीएफ जब आप अपलोड करोगे और मान लेते हैं कि किसी रीजन की वजह से आपका नेट खत्म हो गया या सर्वर नहीं आ रहा या कुछ भी गड़बड़ी हो गई और एंड टाइम पे आप उसको अपलोड नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पे ड्यू ने एक और ऑप्शन आपको दिया है कि भैया टेंशन नहीं लेनी, आपको ईमेल कर देना है, ठीक है, जहां से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आप ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन ये चीज आपको तभी करनी है जब इमरजेंसी है, अगर सर्वर या साइट काम नहीं कर रही है तभी तभी आपको करना है। फिर उसके बाद क्या बताया गया फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे, तो यहाँ पे टाइमिंग के बारे में आपको बताया गया। टाइमिंग तो वैसे ऑलरेडी आपको मैंने बता रखी है पहले भी और बता देता हूँ, वही पीडब्ल्यूडी के लिए 5 घंटे का टाइम है और बाकी जो नॉर्मल स्टूडेंट है उनके लिए 3 घंटे का टाइम है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले भी, नहीं पता है तो नॉर्मल्स में कुछ ज्यादा समझने वाली चीज है नहीं। उसके बाद पांचवा पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है कि एनी रीजन रिलेटेड विद द ओबीई सच एज डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर, अपलोडिंग द स्कैन इमेजेस, आंसर शीट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन एक्सेट्रा। तो इसमें भी यही बात की गई है SOL और NCWO और रेगुलर वाले बच्चों के लिए, यही बात की गई है कि अगर किसी रीजन की वजह से आपका जो आंसर शीट है वो अपलोड नहीं हो पा रही है तो आप क्या कर सकते हैं, ईमेल की जो वेबसाइट का ईमेल है, जो ड्यू की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका ईमेल है, उस पर आप क्या कर सकते हैं, इसको मेल कर सकते हैं। नहीं तो जब आप अपना डैशबोर्ड या अपना स्टूडेंट पोर्टल ओपन करेंगे तो वहां पे भी आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, तो वहां से डायरेक्टली आप उनको मेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए कि किस तरीके से आपको अपने एग्जाम्स को जब आप करेंगे तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको आराम से अपना एग्जाम करना है। इन केस अगर आपका सर्वर डाउन हो गया या नेट चला गया, नेट खत्म हो गया, कुछ भी पंगा हो गया, तो उस केस में तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपको अलग से फैसिलिटीज दी है ड्यू ने ये यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपका जो हॉल टिकट है वो बहुत जल्दी आने वाला है, तो हॉल टिकट कब आएगा, कैसे आएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।